ghamasan.com मैं हूं आपके साथ बागीशा और आज हम आपको बताएंगे। वैसे तो आपने कहीं फिल्मी कहानियां सुनी होगी और आज के दशक में फिल्म में काम करने के लिए काफी मेहनत लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि 90s में फिल्मों में काम करने के लिए एक्ट्रेस को किस तरह का स्ट्रगल करना होता है और किस प्रकार वे मूवीज में एंट्री लेती है। उसके बीच हमारे बीच मौजूद है अंजलि जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साइड पर। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह छोटे से गांव की लड़की ने किस तरह मूवी में काम किया, सीरियल्स में काम किया और अपने पापा का नाम रोशन किया। मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एक छोटे शहर से हैं, आपने जैसा बताया नलखेड़ा से, तो आपका क्या बचपन से सपना था? जैसे आप मूवीज में काम किया, आपने सीरियल्स में काम किया है, तो बचपन से सपना था थिएटर एक्ट्रेस बनने का या सीरियल्स में काम करने का? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा जन्म नलखेड़ा में हुआ है, शाहजहाँपुर ज़िले में, और पापा क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थे तो पापा को ट्रांसफ़र लेना पड़ता थे, तो हम लोग झाबुआ चले गए जी। तो झाबुआ में ही स्कूलिंग हुई सारी, और जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी तरह पढ़ाई चल रही थी। स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, स्पोर्ट्स का शौक था, थोड़ा डिबेट का शौक था। जब मैं BSc सेकेंड ईयर में थी लगभग, तब झाबुआ में इसरो का एक प्रोजेक्ट आया जी। इस प्रोजेक्ट में इस JDCP करके इस प्रोजेक्ट का टाइटल था, झाबुआ डेवलपमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इसरो जो हमारे लिए मिसाइल्स बनाते हैं और सब करते हैं, दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इसरो। और इसरो ही उस समय इनका एक डिपार्टमेंट था जो एजुकेशन के लिए भी काम करता था, तो ये लोग ऐसे रिमोट एरियाज के लिए प्रोग्राम्स बनाते थे। इनके खुद के अपने डिश एंटीनाज बड़े बड़े होते थे जो ये वहाँ पे सेट करके और प्रोग्राम्स बना के गाँव में दिखाते थे। तो झाबुआ में इसी तरह का एक जब उनका प्रोजेक्ट आया तो मेरी दीदी पूर्वा रोमेश जोशी उस समय यही थी, तो वो इंदौर से, बहुत सारे लोग इंदौर उज्जैन के वहाँ पे आए थे जी। तो उन्होंने दीदी को कुछ वहाँ की लोकल डायलेक्ट में, भीली लैंग्वेज में कुछ डायलॉग्स तैयार करने थे, तो शी आस्क फॉर माई हेल्प। ओके, तो मैं उन्हें ऐसे मस्ती में बताया करती थी कि इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो। तो उन्होंने एक वहाँ का बहुत फेमस सा डायलॉग था भीली लैंग्वेज का, तो वो किसी से लिखवा के और उसकी हम रिहर्स करते थे। तो दीदी ने जब इंटरव्यू दिया और सब हुआ, तो आखिरी दिन जब था इंटरव्यू, 3 दिन चले थे, तो थर्ड डे वो मुझे बोली तुम भी दे दो जाके। तो मैंने कहा मैंने आज तक कभी ये सब नहीं किया, स्कूल में थोड़ा बहुत जो डांस वगैरह होता है ठीक है वो किया था, बेसिकली आई वाज सो पढ़ाकू टाइप ऑफ। लेकिन कहा जाए तो जैसे आपने डायलॉग्स वगैरह, ये गॉड गिफ्ट एक तरह मानो कि आपने दीदी को बताया कि इस तरह बोला जाता है, तो जस्ट लाइक गॉड गिफ्ट। तो जैसे आपने वहाँ से शुरुआत की, किस तरह शुरुआत की, आप कैसे एक सीढ़ी पार की, आपने कैसे क्या इंटरव्यू किया या वहाँ पे कैसे सिलेक्शन हुआ, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझसे कहा कुछ करके बताइए, तो मुझे बस वो एक डायलॉग याद था, मैंने वो बता दिया। उन्होंने कहा कुछ कॉमेडी कीजिए, ये कीजिए, मैंने कहा मैंने आज तक कुछ किया नहीं है। अभी तो कुछ याद है आपको लाइंस? इसमें मतलब झाबुआ में वैसा होता है कि एक किसी भी महिला को डाकन सा बोल दिया जाता है, और उसको कभी उसकी संपत्ति लेनी होती है, कभी उससे किसी की दुश्मनी होती है, कुछ भी इस तरह का रीज़न होता है, तो उसको किसी व्यक्ति के द्वारा कि इसने मेरे बच्चे पे जादू किया, इसने मेरे बच्चे, इसके कारण मेरे घर में बच्चे बीमार हुए या गांव में बीमारी फैली, तो उसको पत्थरों से मार मार के हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह का एक डायलॉग था उसका। तो इसमें जब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस महिला को मारते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से मैंने इंटरव्यू में दिया था। नहीं, मारो मत, मारो मत, मारो मारो, हो डाकन नहीं से, हो डाकन नहीं से, यो मारो देवर, यो मारी संपत्ति हड़प ना सा, मारा छोटा छोटा बस सा, मत मारो मारे, मत मारो, हो डाकन नहीं से, हो डाकन नहीं से, हो डाकन नहीं से। Like,
वाओ मैम, मतलब जैसे आपने पहली सीढ़ी पार की और आपका ये पहला मतलब इंटरव्यू था, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये तो आपके लिए गॉड गिफ्ट है, उसके बाद मैम आपके कोई ऑफर्स आपके लिए आए आगे की सीरियल्स में काम करने के लिए या फिर कोई प्रोग्राम्स में काम करने के लिए? एक्चुअली उसके बाद मल्लिका साराय भाई जी के जो वहाँ पे थिएटर है अहमदाबाद में दर्पण, उसमें हमारे पास ऑफर था कि ग्रुप में जाके हम वहाँ पे ये वाला शो करें डाकन का, बट कुछ इश्यूज़ थे, छोटी जगह थी वहाँ, थिएटर में काम करना वगैरह अच्छा नहीं समझा जाता, कुछ पढ़ाई भी ज़्यादा प्रायोरिटी पर थी, तो उस समय मैं नहीं जा पाई जी। तो उस समय मैंने अपने पापा से एक प्रॉमिस लिया था कि लाइफ में कभी भी मैं एक साल सिर्फ थिएटर करूँगी, तो पापा ने कहा था ठीक है तुम कर सकती हो, और उस मैंने उनसे कहा था उस समय मैं दूसरा कोई काम नहीं करूँगी सिर्फ थिएटर करूँगी, तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि पापा ने मुझे ये कहने के लिए कि ठीक है अभी नहीं कर पा रहे हो तो कर लेना कभी, बात आई गई हो गई। उसके बाद मैं फिर पढ़ाई में लग गई, मैं MA प्रीवियस में थी तब तक भी JDCP का प्रोजेक्ट चलता रहा, तो मैंने वहाँ बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। जैसे आपने इंटरव्यू दिया और आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपके मन में कुछ उत्साह जागा होगा कि मुझे भी कोई सीरियल्स में या कोई मूवी में काम करना चाहिए, तो आपने कोई सीरियल्स में काम किया? पहले के सीरियल्स होते थे कुछ अलग ही होते थे, पहले के सीरियल्स की बात अलग होती थी, और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि आपने ऐसे एक्टिंग की है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, पहली बार ऐसे एक्टिंग करना, तो कौन कौन से सीरियल्स में आपने काम किया? वहाँ पे एजुकेशनल सीरियल्स JDCP प्रोजेक्ट में ही एक तो बहुत फेमस हुआ था पेड़ बाबा की कहानी, उसमें जैसे पेड़ आता था हम लोगों से बातें करता था और गायब हो जाता था, तो वो हमेशा टॉप पे ही चला। फिर शहीद भगत सिंह जी पे भी एक प्रोग्राम बना, और इसी तरह एक परछाई करके था जी। तो इस तरह कम से कम 8-10 सीरियल्स में मैंने काम किया। बाकी आई वॉज नॉट सो एम्बिशियस अबाउट एक्टिंग, तो मुझे कहा गया कि आप बॉम्बे जाइए या फिर आप NSD के लिए तैयारी कीजिए, बट मुझे उस समय लगा कि नहीं, मुझे अपनी स्टडीज़ पूरी करनी चाहिए, और आई जस्ट वॉन्टेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक दैट, तो मैंने मतलब ट्राई नहीं किया वहाँ जाके। लेकिन मैम आपका आगे जाने का कुछ था, आपका मन था आगे जाके बॉम्बे जाना चाहिए, और वैसे तो आपको बहुत सारे सीरियल से ऑफर्स भी आए थे, तो क्या फिर मूवीज वगैरह में काम करने के लिए ऑफर्स आए आपके पास, तो क्या सोचा आपने आगे के लिए उस टाइम को, सोचा कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए? नहीं, इस मामले में मतलब बहुत मुझे ऐसा क्लियर था कि मुझे पहले अपनी स्टडीज़ पूरी करनी है, और हाँ क्रिएटिविटी मतलब आई लाइक टू एक्ट, तो मैं मुझे ड्रामा स्टेज थिएटर आर्टिस्ट बनने की इच्छा थी ज़्यादा, तो जब मैं MA करने के बाद MPhil करने उज्जैन गई, तो वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला बाल मंच करके सतीश दवे जी का, तो उनके साथ मैंने काम किया बहुत सारे उस समय के लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स प्रोग्राम जो होते थे, जो यहाँ पे भी विक्रमादित्य करके इंदौर में भी हुआ है, तो इसमें अलग से साउंड रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद बहुत बड़े बड़े स्टेज बनते हैं खूब ऊँचे ऊँचे 2-3 मंजिला और बहुत बड़े मैदान में होते हैं, तो उस तरह के प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हमने, जैन धर्म पे भी किए, दूसरे भी किए। उसी समय अभिनव रंग मंडल जो है अभी शरद शर्मा जी का, उनके लिए भी मैंने चंदन बाला करके एक है उसमें काम किया, और भी मतलब वो एक साल था जब मैंने अपने पापा को MPhil करने के बाद कह दिया था कि पापा आपने कभी एक प्रॉमिस किया था मुझसे, तो आपको याद है क्या? तो पापा को कुछ याद नहीं आया, तो मैंने बोला कि आप निभाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा अब मैं एक साल सिर्फ नाटक करूँगी। मतलब आपने पढ़ाई तो, के साथ आपकी एक्टिंग भी जारी रखी। हाँ, तो जैसा आपने बताया कि थिएटर आर्टिस्ट भी आप रहे, उसके बाद से आपके पास कोई फिल्म का ऑफर आया हो या आपने फिल्म में काम किया हो? एक्चुअली नहीं ट्राई किया मैंने फिल्म, ये जब मैंने मतलब जब मैंने एक साल वहाँ थिएटर कर लिया सब हो गया, उसके बाद मैं इंदौर आ गई, मुझे अचानक से लगा कि नहीं स्टडीज़ और कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मैंने BEd के एग्ज़ाम दी और इंदौर में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। उस समय फिर मुझे ऑफ़र मिला था इंदौर दूरदर्शन से, प्रभु जोशी जी ने उन्हें एक फिल्म बनानी थी और उन्हें एक बहुत ही सिंसियर सा कैरेक्टर चाहिए था, तो फिल्म थी मनु भंडारी जी की कहानी दो कलाकार के ऊपर, तो उसमें फिर मैंने तो मैम आपका उसमें क्या किरदार रहा? उसमें दो सहेलियों की कहानी थी, दो सहेलियों में से एक सहेली बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और एक समाज सेवा करना पसंद करती थी,
उसकी लाइफ में यही था कि किस तरह से दूसरों को हेल्प कर सकें, आगे बढ़ा सकें उनको. और वो जो पेंटर फ्रेंड थी वो बहुत एम्बिशियस थी और वो अपनी पेंटिंग से ही दुनिया में छा जाना चाहती थी. तो मेरा रोल जो था वो समाज सेविका वाला था. तो मैम उसके बाद आपने फिर ड्रॉप कर दिया, मतलब जैसा मूवीज में. तो मैम जैसा आपने बताया कि थिएटर एक्टर्स काम किया, कुछ सीरियल्स में काम किया, कुछ मूवीज में काम किया, तो घर परिवार का माहौल कैसा था उस टाइम पे? जैसे आपको रिश्तेदार लोग देखते होंगे कि आज हमारी बेटी सीरियल्स में काम कर रही है, तो मैम उस टाइम माहौल कैसा था परिवार का? सपोर्टिव थे या फिर नेगेटिव? सपोर्टिव थे. मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की उनको, मतलब वो मुझे घर में कह देते थे, क्योंकि शूटिंग के लिए ऐसा होता है कि आपको कई बार नाइट के समय भी जाना होता है, तो थोड़ा नाराज़गी तो होती थी बड़े लोगों की. तो वो कह देते थे मैं जा रहा हूँ, मैं दरवाज़ा खोलूँगा ये जब आएगी. और इस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया सारा. और ये जो फिल्म में मैंने काम किया ये इंदौर दूरदर्शन ने तैयार की थी और नेशनल पे आई ये फिल्म कथा सरिता में, और अभी यूट्यूब पे भी है ये. अच्छा, अभी भी है? 2004 में रिलीज हुई. मतलब अभी तक ये फिल्म ऐसा है, यहाँ पे एक ग्रुप है वो इस फिल्म को बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दिखाते हैं कि सोशल वर्क करना चाहिए. तो किस तरह से इस फिल्म में मैंने एक भिखारन थी, वो मतलब मर जाती है और उसके दो बच्चे वहीं रह जाते हैं. तो जो लड़की रहती है इसका फ्रांस में, पेंटर लड़की होती है वो फ्रांस चली जाती है. तो वहाँ पे वो उस दृश्य को देखते हुए जाती है. तो वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा एक पूरा ऐसा पेंट सीरीज बनाती है पेंटिंग्स की, उसमें वो ये घटना दर्शाती है. और ये लड़की जो है समाज सेविका, ये उन बच्चों को गोद ले लेती है जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई होती है उस समय. उसके बाद भी वो बच्चों को गोद लेके और फिर उन्हें पाल के बड़ा करती है. तो फिल्म की एंड में ये होता है कि ये कला चित्रकार लड़की जो है वो जब लौट के आती है और वो बड़े घमंड से बताती है कि देख मैंने क्या क्या कर लिया और तू कहाँ है आज जी. तब ये लड़की अचानक बातें करते करते उसकी नज़र उसके बच्चे पे जाती है, तो बच्चे को तिल होता है यहाँ पे बड़ा सा. तो वो देखती कि उसकी पेंटिंग में बच्चे को तिल है और इसके भी इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ से हो गए, जबकि उस समय तो शादी नहीं हुई थी कुछ साल पहले जब गए थे. तो वो बोस्ट करते करते अचानक उसको ध्यान आता है कि ये वही बच्चा है जिस बच्चे के ऊपर मैंने ये सिर्फ चित्र बना दिए और मैं इतने बड़े बड़े प्राइज जीत के घमंड कर रही हूँ, और इसने उन बच्चों को जीवन दे दिया, उनको नया जीवन दे दिया जी. तो आखिरी में उसको एहसास होता है कि अगर रियल लाइफ में हमको किसी को हेल्प करनी है, आगे बढ़ाना है, तो हमको आगे बढ़ के उसको जीवन में सहारा देना होता है. किस तरह समाज सेविका लोगों की हेल्प करती है. तो मैम जैसा कि आपने बताया कि 2004 में आपने मूवी में काम किया, उसके बाद से फिर आपने क्यों ड्रॉप कर दिया मूवीज का? आपके बहुत सारे ऑफर्स भी आए होंगे लेकिन फिर आपने ड्रॉप कर दिया, क्या वजह रही? एक्चुअली इच्छा तो बहुत ज्यादा थी, बट मुझे लगा कि फैमिली उस समय आई जस्ट गॉट मैरिड दैट टाइम. तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, पहले घर में रहना ज़्यादा ज़रूरी है. फिर मैंने उसके बाद सोचा कि ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम ऑफ स्क्रीन कुछ करें. तो फिर आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर के लिए ऑडिशंस दिए मैंने, तो उसमें सिलेक्शन हो गया. तो अभी भी मैं करती हूँ वहाँ पे एज एन अनाउंसर काम करती हूँ. इसके अलावा 92.7 FM है, इसमें आशुतोष राणा जी का मिट्टी की धरोहर में मालवा की जो कहानियाँ हैं वो बहुत फेमस हुई हैं, उसमें भी लगभग सारे एपिसोड्स में जो मेन वॉइस ओवर्स हैं वो मैं रही हैं. हाँ, अभी एक्चुअली थोड़ा सा कश्मकश में हो जाती हूँ मैं जी. पर मतलब आई एम प्रिपेयरिंग टू डू, मतलब आप अभी करना चाहती है अगर ऐसा कोई ऑफर? हाँ. जी मैम. पर फिर भी प्रायोरिटी अभी फैमिली होती है. क्या मैम, वो तो है. जैसा आपने बताया कि फैमिली के कारण आपको प्रॉब्लम्स के कारण आगे नहीं जा पाई. हाँ. तो देखा आपने किस तरह मैम ने बताया कि उनकी लाइफ की स्ट्रगल लाइफ कैसी रही. उन्होंने पढ़ाई के साथ फिल्म में भी काम किया, कुछ सीरियल्स करे, कुछ थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और एक्ट्रेस भी रही. जिस तरह उन्होंने बताया कि गाँव से निकल कर वे उज्जैन आई, इंदौर आई और उन्होंने दूरदर्शन के द्वारा दो कलाकार फिल्म में भी काम किया. तो आप देख सकते हैं कि मैम की किस तरह लाइफ रही, लेकिन आज कुछ कारणवश वो आगे नहीं जा पाई. तो मैम का सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह
आप लोग स्ट्रगल करके फिल्म बनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, और मैम ने एक फिल्म में समाज सेविका के रूप में काम किया और आगे किस तरह लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो मैम आपका ऐसे हमारे सेट पर स्वागत है। तो देखा आपने किस तरह एक छोटे शहर की लड़की ने पढ़ाई के साथ साथ कई सीरियल्स में, कई थिएटर आर्टिस्ट में और कई फिल्मों में भी काम किया। तो ऐसे खास मेमोरी से हम आपको मिलाते रहिए, आप देखते रहिए ghamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.